हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर श्वेता कर्लपुड़ी ऑब्सर्डेशन एंड गायनकोलॉजिस्ट सो वन ऑफ माई व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैडम हमारा मेंसेस लेट हो गया प्रेगनेंसी टेस्ट किया नेगेटिव आया है ऐसा क्यों होता है मतलब पीरियड्स नहीं आया है बट प्रेगनेंसी भी नहीं है ये क्यों होता है मतलब आपका मेन्सस जो है वो लेट हो गया सो so, इसमें हमको ऐसा कॉजेज डिस्कस करना है जिसकी वजह से हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं और लेट हो जाते हैं सो so, ये वीडियो में मैं ऐसा फाइव इंपॉर्टेंट कॉजेज़ के बारे में बोलने वाली हूँ फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज ओवेरियन डिसीज़ ये जो पी में साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं लेंदी हो जाते हैं किसी किसी को फोर्टी डेज में आते फोर्टी फाइव कभी कभी टू मंथ्स मैंने एक बार ऐसा पेशेंट देखा पी का जिसका एक साल तक पीरियड नहीं आया है सो so, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इ पीरियड्स सो ये पीसीओडी कैसा डील करना है इसका रीज़न क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है मैंने एक मेरा पीसीओडी वीडियो में डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया है नंबर टू इज़ प्यूबर्टी प्यूबर्टी जब जस्ट तब भी तब भी मेंसेस स्टार्ट होते हैं अठारह साल के अंदर जो टीन ग्रुप में होता है नॉर्मली हमारा मेन्सेिस कब शुरू होते है बारह तेरह साल में शुरू होते हैं तो इलेवन ईयर्स में भी हो रहे है. सो इलेवन इयर्स जब मेनार की अचीव करते हैं आपका फर्स्ट मेंसेस शुरू होता है शुरुआत में साधारण दो तीन साल तक आपका मेंसेस रेगुलर नहीं रहेगा एक महीना आए तो एक महीना नहीं आते हैं। ये बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ हाइपोथेलैमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस मतलब आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उसका इतना मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से इस समय पीरियड्स लेट होते हैं बट ये बहुत कॉमन थिंग है ये कुछ डिसीज नहीं है जैसे जैसे वो लड़की का एज बढ़ते जाते हैं देन उसका मेंसेस अपने आप रेगुलर हो जाएगा थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि पेरीमेनोपोजल एज ग्रुप मतलब 40 वर्ष आ गया 45 इयर्स हो गया तो ऐसा लेडीज में भी पीरियड्स धीरे 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 लेट होना इरेगुलर होना किसी किसी में जल्दी आता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना दो तीन महीना लेट आते हैं ऐसा ग्रेजुअली लेट आते 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 एक बार पीरियड्स बंद हो जाते हैं सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल इट इज ऑल्सो नॉट अ डिसीज सो ऐसे लेडीज को भी हम ट्रीट नहीं करते हैं जस्ट रीअश्योरेंस देते हैं कि ये आपके एज के अकॉर्डिंगली होने वाला कॉमन परिणाम है तो आप इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का एंड फोर्थ रीजन ये है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज थारॉयड डिसीज हाइपोथाइरॉयडिज्म मतलब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन जितना प्रमाण में चाहिए उतना नहीं रहता है ना उसकी वजह से भी हमारा पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है सो so, थायराइड हार्मोन हमारा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं ओव्यूलेटरी फंक्शन टाइम पे ओव्यूलेशन होना चाहिए ऐसा थायराइड हार्मोन हमारा हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं फॉर सपोज थायरॉयड हार्मोन में ही प्रॉब्लम है तो आपका मेंसेस ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाएगा ये एक थायराइड थायरॉयड ब्लड टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थायराइड सप्लीमेंटेशन दे के मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं बट वेन यू डोंट ट्रीट दिस थायरॉयड डिसीज़ इसकी वजह से ओबिसिटी हो जाएगा यू गेन लॉट ऑफ वेट और ज़्यादा ज़्यादा हॉर्मोनल इम्बेलेंस होके कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है सो यू हैव टू चेक योर थारॉइड लेवल्स फ्रीक्वेंटली व्हेन यू आर गेनिंग वेट वेन यू आर नॉट गेटिंग यूर पीरियड्स रेगुलरली व्हेन यू आर हैविंग हेयर फॉल वेन यू आर हैविंग इशूज लाइक कॉन्स्टिबेशन तो ऐसा चीज़ें सिम्टम्स आप नोटिस कर रहे हैं तो आप आपका थाइरॉयड जरूर चेक कर लेना एंड फिफ्थ जो है वो नॉर्मल रूटीन कॉजेस है पेरी पार्टन पीरियड मतलब जस्ट डिलीवरी हुआ तो भी एक साल तक आपका मैंसेस रेगुलर नहीं रहेगा इरेगुलर ही रहता है एंड स्ट्रेस रहा एग्जाम्स हो गया या चेंज ऑफ प्लेस वॉटर क्लाइमेटिक कंडीशंस इस समय में भी आपका पीरियड्स चेंज हो सकता है और कुछ बीमारियाँ डिसीज़ सपोज़ आपको टाइफॉयड फीवर हो गया ज़्यादा ग्रेड फीवर कुछ हो गया जिसकी वजह से आपने बहुत सारा एंटीबायोटिक्स यूज़ किया उस समय भी आपका मेंसेस लेट हो सकता है सो so, फ्रेंड्स ये ऐसा कॉमन रीजन्स है जिसकी वजह से हमारा मेंसेस लेट हो सकता है एक बार साल में लेट होना इज कॉमन थिंग अगेन आपका साइकिल रेगुलराइज हो जाना चाहिए बट इज़ नॉट हैपनिंग रेगुलरली योर मेंसेस इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर इरेगुलर देन यू नीड टू